हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इन साइकोलॉजी इन एजीवे। आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो है और आज मैं इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो फिर हो सकता है कि आपको अभी रीट का एग्जाम देना हो या फिर टीचर रिटन एग्जाम देना हो। इसके बाद और भी एग्जाम आते रहते हैं जिसमें साइकोलॉजी की नीड होती है। मैं जानता हूँ कि आप अपने और सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि साइकोलॉजी में भी अच्छे होते हैं, लेकिन तब भी अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली होता क्या है, हम शुरुआत से साइकोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें कोई टीचिंग एग्जाम देना होता है तो वहाँ पर साइकोलॉजी की नीड होती है और उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम होती हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ और आप जुड़े रहिए, आप तक साइकोलॉजी की वीडियो पहुँचते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी साइकोलॉजी की वीडियो की नीड है किसी भी टॉपिक की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हो सकता है बस थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊं। तो आज मैं आपसे बात करता हूं मूल प्रवृत्ति के बारे में, ये क्या होता है। आपने भी मूल प्रवृत्ति के बारे में पहले सुना होगा। देखिए, वैसे तो मूल प्रवृत्ति जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, यानी जो जन्म से ही सभी में पाई जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा कि फ्रायड ने, यानी जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में क्या और कैसे बताया। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सिगमंड फ्रायड की थ्योरी से पूछे जाते हैं, तो ये भी एक उसी का हिस्सा है। सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को दो भागों में बांटा है। जो पहला है उसका नाम है जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी लाइफ इंस्टिंक्ट, और जो दूसरा है उसका नाम है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसका नाम है डेथ इंस्टिंक्ट। देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, मैं आपके दैनिक जीवन की बात करता हूँ। आपने अपने आसपास अपने रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब वो क्रिएटिव होते हैं और रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, वह सुबह जागता है, अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, उसके बाद अपने घर में सफाई करता है, अपने जो भी उसके दैनिक कार्य होते हैं उनको बहुत अच्छे से करता है और हर हमेशा कोशिश करता है कि इस काम को और भी अच्छे से किया जा सके, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को रचनात्मक तरीके से करता है, देखिए पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को याद करने के लिए कुछ नए तरीके अपनाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, जैसे उसकी दुकान है, दुकान बहुत लोग रखते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुकान चलाने के लिए नए नए तरीकों को अपनाता है ताकि उसके पास बहुत सारे कस्टमर आ सकें, ऐसा कोई भी कार्य जहां पर कोई व्यक्ति नए तरीके से किसी चीज को करना चाहता है, तो वह जीवन मूल प्रवृत्ति में आएगा। ओके, इसके बाद जो दूसरा है, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो लेजी होते हैं, सोते रहते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं, फ्री टाइम वेस्ट करते हैं और किसी भी कार्य को वो नए तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग, उनमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है लाइफ इंस्टिंक्ट, मतलब जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन में अच्छे तरीके से रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना। डेथ का मतलब जहां पे है वहां पर भी खराब कंडीशन, यानी और गड्ढे में चले जाना, कुछ नया नहीं करना। ओके, तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति को एरोस भी कहते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनेटोस भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, एरोस का मतलब रचनात्मक कार्यों से होता है और थैनेटोस का मतलब जो डिकंस्ट्रक्टिव होते हैं, ध्वंसात्मक कार्यों से इसका मतलब होता है। तो मैं समझता हूं कि अब आपको दोनों में फर्क पता चल गया होगा। यहां पर बेसिक आप एरोस और थैनेटोस को जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इनका नाम लेकर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, अगर इन दोनों बातों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 100% आप कर पाएंगे। अगर आप सीधा सीख लेते कि एरोस का मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क से होता है, तो हो सकता है कि आप कहीं कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वो किसी सिचुएशन को दे सकते हैं। जैसे मान लो वो लिख देते कि राम 18 वर्ष का बालक है या बच्चा जो भी है, और वह किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है, बताओ इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है, है ना। तो आपको मैंने एग्जाम्पल समझाया है, तो आप जरूर अच्छे से कर पाएंगे। और अब देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में सभी तरह के रचनात्मक, देखिए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है रचनात्मक कार्यों का प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन सा होता है। मुझे भरोसा है कि आप ऑप्शन पढ़ेंगे और जरूर ही इसका आंसर आपके मन में आ गया होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ऑप्शन लिखे हैं चिंता, एरोस, थैनेटोस, अचेतन। आपको मालूम है कि इसका आंसर एरोस है,
क्योंकि चिंता और थेनेटोस अचेतन नहीं है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एरोस क्यों है, तो आप समझ गए हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, फ्राइड के सिद्धांत में व्यक्ति में सभी तरह के ध्वंसात्मक, नाम पे ध्यान दीजिए, ध्वंसात्मक कार्यों के प्रेरणा स्रोत निम्नांकित में से कौन से हैं, या कौन सा होता है, कौन सा होता है ये। एक एक ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन एरोस, अचेतन, थेनेटोस, चेतन। तो आपको भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसका आंसर थेनेटोस है, जो मैंने आपको बताया था डेथ इंस्टिंक्ट यानी ध्वंसात्मक कार्यों से होता है, वो कोई भी काम नए तरीके से नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति के मुख्य दो प्रकार बताए हैं, जो कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, जैसा कि मैंने आपको पूरा भी डिफाइन किया है, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो ऑप्शन मैं बोल देता हूं, उपाहिम, पराहिम। दूसरा ऑप्शन है आक्रामकता, चिंता। तीसरा ऑप्शन है अहम, पराहिम। और इसके बाद है एरोस और थेनेटोस। यहाँ पे देखिए थेनेटोस लिखा हुआ है, मैंने गलती से यहाँ पे पराहिम लिख दिया था। तो एरोस और थेनेटोस ये आपका ऑप्शन है, और आप बताइए कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसी तरह से और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, तो अगर आप रेगुलर वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप दूसरे फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो जरूर मिल जाए। फ्रेंड्स, और भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इस तरह वीडियो आप तक और पहुंचते रहेंगे, सो आप मुझसे जुड़े रहें। ओके।